ठीक है, यानी कि सरकार की तरफ से एक सवाल इधर से मैं ले लेती हूँ, सरकार की तरफ से औद्योगिक नगरी से कहा जाता है उस तरह की सुविधाएं नहीं है। देखिए ऐसा है, पाली के अंदर इस 25 साल में जो औद्योगिक नगरी है, पुनायता इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक के प्रयासों से हुआ। जो मेडिकल कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो महिला कॉलेज है, जो 4 से 3 डिस्पेंसरी है, ये सारे काम, ट्रांसपोर्ट नगर है, रोडवेज डिपो है, ये सारे काम पाली की जनता से पिछले 25 साल में इस विधायक महोदय के कार्यकाल में हुआ। मेरा एक सीधा प्रश्न है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना है और पिछले 4.5 साल तो क्वारंटाइन रहता है खुद, और 3 साढ़े 3 साल कुर्सी बचाने के लिए घूमता है। जनता की कोई परवाह नहीं, राजस्थान महिला अपराध में प्रथम है, भ्रष्टाचार। चलिए मैं अब जवाब ले लूं, अब मैं जवाब ले लूं, मैं आ रही हूं आपके पास, एक मिनट जवाब, क्योंकि सवाल आपसे है तो अब इसका जवाब आप दीजिएगा। उधर से क्योंकि सवाल आए थे कि यहाँ औद्योगिक नगरी इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से ना तो आप व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे हैं और छोटे कारोबारियों की भी हालत बुरी। एक एक कहने में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, मुझे तो इस बात का गर्व है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो जनता के लिए, गरीब जनता की जो सेवा करते हैं ना, कोरोना के समय में हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला नंबर अगर रहा है तो पाली रहा है। और हमारे विधायक ने जो जनता के बीच में जाकर कोनो टाइम के रूम खोलाकर और एक एक व्यक्ति की सेवा की है, दवाया नहीं मिल रही थी सरकार के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे विधायकों ने और पूरे पाली जिले के 5 ही 5 विधायक, ये दावे तो वो भी करते हैं, जो दावे आप कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस को एक नाम बताए उनका, मुख्यमंत्री 2 साल तक कोरोना टाइम रहे, एक व्यक्ति बताए कांग्रेस का कि इन्होंने कोरोना में के अंदर। जवाब ले लेती हूँ, नाम भी बताइएगा। साथ ही जो जनता कह रही है कि आप मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बंद तो गए लेकिन कुर्सी बचाने में ज्यादा लगे रहे। मुझे एक बात बताइए कि पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोरोना के टाइम में कि मैं किसी के भी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, कोई आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा, तो बताइए राजस्थान में कोई भूखा सोया क्या? इतना अच्छी व्यवस्था कोरोना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने की है। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि लोकल लेवल पर आप देखिए तो सड़कों के लिए राजस्थान सरकार पैसा भेज रही है, यहाँ नगर परिषद इनकी है, 10 नगर पालिकाएं इनकी है, प्रधान इनके, प्रमुख इनके, इनके जो है MP इनके, सब चेयरमैन नगर पालिकाओं में इनके हैं, लेकिन विकास के नाम पे ये जीरो है। अच्छा तो राजस्थान में मुख्यमंत्री तो आपके हैं ना? हाँ, तो वो पैसा भेज रहे हैं ना, पाली शहर के अंदर 25 करोड़ रुपए इन्होंने सड़कें बनाने के लिए भेजी है, वो भी ये लोग इनके एजेंसी। आप ले लो, आप क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो पैसा भेज रहे हैं, आप लोग लगा नहीं रहे विकास। आप तो पैसा भेजने की बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं लगा रहे हैं, कोरोना का समय में ये भ्रष्टाचार से बाज नहीं आए, मास्क के अंदर, दवाइयों के अंदर घोटाले किए। और बता दूं कोरोना में पीक पॉइंट खत्म होने के बाद 20,000 ये ऑक्सीजन एक्सीलरेटर कौन ने खरीदे और कितने 3 गुना ज्यादा रेट में खरीदे, और आज वो दुख खाक कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है, पैसे भेजेंगे पैसे। आज दिन तक राजस्थान में आपको बता एक उदाहरण देता हूँ पाली का, हमारे बाली के अंदर इन्हीं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के 5 पार्षद कहा गए जयपुर शांति लाल जी धारीवाल से मिलने गए, तो उन्होंने क्या कहा, मंत्री जी ने क्या कहा कि कहाँ से आए हो, तो क्या हम पाली से आए, तो क्या पाली के अंदर तो कांग्रेस है ही नहीं है, तुम निकलो यहाँ से बाहर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।